top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businessmen. Big Tech, excellence with values. क्योंकि ये मौत जो हुई है ये एक स्पेशलाइज्ड कारण की वजह से हुआ है, ये कोई पब्लिक सेफ्टी नहीं है, ये वर्कर सेफ्टी उनकी इश्यूज है, वर्कर सेफ्टी की इश्यू है। तो उसमें होर्डिंग्स लगा के क्या करेंगे? शायद दिल्ली सरकार को नहीं पता कि सरकार ने 2013 में यूपीए सरकार ने एक पार्लियामेंट की एक्ट पास करी कंप्लीटली बैनिंग द मैनुअल और बहुत ही डिटेल में सारे प्रोविजन्स हैं कि जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से सेफ्टी और जो मैनुअल क्लीनिंग के लिए अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो किस तरह की जो लेबरर्स हैं उनको सेफ्टी प्रिकॉशन किस तरह से देना चाहिए, प्रोटेक्टिव गियर, ऑक्सीजन मास्क, इंक्लूडिंग व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल टू बी स्टेशन एट द साइट ऑफ क्लीनिंग। तो हम जानना चाहेंगे कि ये सरकार होर्डिंग लगा के क्या हासिल करना चाहते हैं, और मार्च में सबसे पहले जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद सरकार ने क्या प्रिकॉशंस लिया कि ताकि ये दुर्घटना ना रह घटे। फ्यूचर में फ्यूचर दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट शुड नॉट अकर वेयर पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ ड्यू टू एन एक्शन विच हैज बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट। तो होर्डिंग लगाने के अलावा सरकार ने और क्या क्या एक्शन लिया हम जानना चाहेंगे। एक तरफ से हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपना पीठ थपथपाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 34,000 करोड़ से भी ज्यादा स्वच्छ भारत अभियान के लिए एलोकेट किया है, फाइलिंग हुई है। इस भारत के राजधानी में मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सुअर की वजह से 10-10 लोगों की मौत हो गई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और श्री अरविंद केजरीवाल जी को जी जो कि इलेक्शन से पहले दिल्ली के हर सफाई कर्मचारियों को वादा किया था कि उनको लुकास्टर करेंगे, उनको रेगुलराइज करेंगे, उनकी सेफ्टी के लिए पूरी तरह से बंदोबस्त किया जाएगा, तो आज हम पूछना चाहेंगे केजरीवाल जी से भी कि कहां गए उनके वो वादे। आज हमारे साथ पूर्व विधायक जयकिशन जी हैं और कंजोला जी हैं। हम पहले जयकिशन जी से निवेदन करेंगे कि आपको समझ हादसा घटने की बात जो दिल की पार्टी है कॉन्ट्रैक्टर उसको किस तरह से किसी को लेबर एम्प्लॉय किया, उसको क्यों नहीं सेफ्टी प्रिकॉशन दिया गया, वो और उसको फिर उसको जस्टिस दिलाना मतलब उसका पनिश करके, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन वो तो सेकेंड फेज है। लेकिन पहले हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब क्लियर नोटिफिकेशन है सरकार की, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो ऑलरेडी 2013 में ये गैजेट नोटिफिकेशन में ये क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें दिया गया है कि सारे मैनुअल सीवर क्लीनर्स को प्रोटेक्टिव सूट दिया जाएगा, ऑक्सीजन गियर दिया जाएगा, उनका साथ एम्बुलेंस होना जरूरी है, तो वो सारा रेगुलेशन जब ऑलरेडी है तो उसको क्यों नहीं पालन किया गया? अब देयर इज अ सेइंग दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक नहीं 10-10 लोग मर चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार क्या सो रहे थे और आप बोल रहे हैं कि हम पहले कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट करेंगे फिर हम छानबीन करेंगे, वो तो देयर इज अ सेकंड फेज। लेकिन जो लोग मर गए हैं, जो 10 लोग जो मर गए हैं, वो उनकी जिंदगी तो वापस नहीं आएगी ना, उनका परिवार का क्या होगा? हूज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने ये बोला ना कि ये देखिए दिल्ली एक तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है 2013 सितंबर 2013 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो कि क्लियरली प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, ऑल इंडिया एक्ट है। सेकेंड जो दिल्ली सरकार का अपना नोटिफिकेशन है वो 2013 में